हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या आप अपने यूट्यूब के लिए प्रोफेशनल बैनर बनाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि मैं आपको टिप्स जानकारी शेयर कर पाऊँ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अमर, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल अमर टेक। दोस्तों, प्रोफेशनल बैनर बनाने के लिए कुछ डिजाइन ज़रूरी होती है और एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, जिस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सालैब। और इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और कुछ डिज़ाइन है उसे भी डाउनलोड कर लेना है। आप चाहे तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विजिट कर आप उस दोनों लिंक को ओपन करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद चलिए मैं बताता हूँ, लेट गेट स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, एक टेम्पलेट की ज़रूरत होती है, जो कि मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और उसमें लिंक दिया हुआ है, आप उसे ओपन करेंगे या फिर आप गूगल से डाउनलोड कर लेंगे। टेम्पलेट्स को डाउनलोड करने के बाद आप इसे देखेंगे, तीन शेप में इसे दर्शाया गया है। पहला शेप इसमें लैपटॉप या पीसी के लिए होता है, और दूसरा शेप ये टैबलेट के लिए दिया गया है, और तीसरा शेप ये सबसे स्मॉल शेप ये एक्चुअली मोबाइल के लिए ही दिया गया है ये साइज। तो किस साइज से बनाना है आपको, ये आप पर डिपेंड करता है। फिलहाल हम मोबाइल के लिए एक बैनर बनाने वाले हैं, तो मोबाइल के साइज पर हम बात करेंगे। सो हम लोग पहले इस टैम्पलेट को एडिट करेंगे, और इसे एडिट करने के लिए हमें पिक्सालैब पर जाना है। तो पहले पिक्सालैब पे चलते हैं हम लोग, फिर उसको एडिट करेंगे। ये रहा मेरा पिक्सालैब। पिक्सालैब जैसे खोलेंगे तो इस तरह का यूजर इंटरफेस आएगा। तो फिलहाल हमें टेक्स्ट को डिलीट करते हैं और इसके साइज में जाएंगे। थ्री डॉट में जाने के बाद साइज में ओपन करेंगे तो आपको ये साइज थंबनेल यूट्यूब वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आप कलर में जाएंगे, कलर में जाए ट्रांसपेरेंट वाला कलर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। देन हम लोग एक डिजाइन को सेलेक्ट करेंगे, डिजाइन को प्रॉपरली तरीके से हम लोग उसे अपने साइज को कट करेंगे और कॉपी करेंगे। वहाँ कॉपी करने के बाद हम उसे उसे उसी के शेप में ले आके पेस्ट करेंगे प्रॉपरली तरीके से। थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गया तो फिर देखने में ठीक नहीं लगेगा। सो इसे पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद शेप में जाएंगे, थ्री डॉट में जाने के बाद प्लस आइकन में जाने के बाद शेप में जाएंगे। शेप में जाने के बाद इसे ड्रैग करेंगे। के बाद हम गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद हमें एक लोगो देखना है, जो कि हमने शेप किया हुआ है लोगो। तो आप चाहे तो कैसे लोगो बनाते हैं, प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाते हैं, अगर आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल और विजिट करेंगे तो प्रोफेशनल लोगो कैसे बनाया जाता है उसमें हमें सारी प्रक्रिया डिटेल से बताया हूँ। आप चाहे तो आप उस वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग लोगो को भी उसके साइज के अनुसार हम लोग पेस्ट करेंगे।
टेस्ट करने के बाद बारी बारी से डबल डियर पे जाने के बाद बारी बारी से सभी को लॉक करेंगे। अगर लॉक नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है बैग चला जाइए, जितने भी हमने मेहनत किए हैं सारे बैग हो जाएंगे, तो फिर से हमको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आफ्टर दैन हम लोग अपने YouTube चैनल का नाम लिखेंगे, जैसे मेरा YouTube चैनल का नाम है अमर टेक, तो मैंने अमर टेक लिख दिया है और इसे फुली तरीके से हम इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद पेस्ट करने के बाद देख लेंगे कि एडजस्ट हो रहा है या नहीं, इसके साइज को थोड़ा मिला घटा लें, इसके अनुसार हमसे शायद बेटर रहेगा। इस तरह से हमें यहाँ बारीकी से पेस्ट कर देना है। उसके बाद डबल डियर में जाने के बाद इसे भी लॉक कर देना। उसके बाद टेक्स्ट पे जाएंगे, उसके बाद कुछ लिख देंगे, जैसे यहाँ वेलकम टू आवर चैनल हम लिख सकते हैं। After then, इसे भी पेस्ट कर देंगे, इसके साइज को छोटा करेंगे उसके अनुसार, उसके बाद कलर में भी चेंज कर देंगे और उसके बाद इसे उसके साइज को एडजस्ट करते हुए उसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसे भी लॉक कर देंगे दोस्तों। सभी को वन बाय वन लॉक करते जाना है। इसके साइज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को। तो दोस्तों ये रहा मेरा बैनर तैयार हो गया और इसे हम सेव करने के लिए दोस्तों थ्री डॉट पे जाएंगे, एक्सपोर्ट इमेज पे टच करेंगे, उसके बाद यहाँ कस्टम पे जाएंगे, हाई पे जाएंगे, हाई पे जाने के बाद यहाँ सेव टू गैलरी। दोस्तों यह वीडियो अगर वाकई हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि यहाँ जी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।